वाई डोंट ज्वाइन GDS, आखिर हमें GDS क्यों ज्वाइन नहीं करना चाहिए। तो आप देख रहे हैं GDS का सबसे भरोसेमंद चैनल GDS 24x7 और मैं रोशन कुमार स्वागत करता हूं आपको अपने YouTube चैनल पे। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हमें GDS में क्यों ज्वाइनिंग नहीं करना चाहिए, आखिर इस वीडियो को बनाने का मकसद क्या है और मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। इन सारे क्वेश्चन का जवाब आपको वीडियो के अंत तक खुद पता लग जाएगा। बस वीडियो को आप लोग अंत तक बिना स्किप किए देखें और अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं GDS के बारे में, आखिर GDS होता क्या है। GDS यानी ग्रामीण डाक सेवक और ये होते हैं ED स्टाफ। ED यानी एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल स्टाफ, जिसको हिंदी में कहा जाए तो इसको अतिरिक्त विभागीय कर्मचारी कहा जाता है। तो जो लोग GDS के बारे में नहीं जानते हैं उसको मैं बताना चाहूँगा कि जितने भी GDS यानी ग्रामीण डाक सेवक होते हैं वो अतिरिक्त विभागीय कर्मचारी होते हैं और वो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में एज एजेंट के तौर पर कार्य करते हैं, जिसको विभागीय कर्मचारी का दर्जा नहीं मिला रहता है और वो हर प्रकार से उसको GDS को अलग रखा जाता है विभागीय कर्मचारी के मुकाबले में। मैं पिछले 5 सालों से GDS के पद पे कार्यरत था, जिसके कारण से मैं भली भांति आपको बता सकता हूँ GDS की उन समस्याओं के बारे में जिससे आपको लगेगा कि आपको GDS क्यों ज्वाइन नहीं करना चाहिए। तो उस समस्याओं को मैं बिंदुवार तरीका से पॉइंट बाय पॉइंट समझाऊंगा, हर एक बिंदु को एक्सप्लेन करूंगा कि आपको क्यों GDS ज्वाइन नहीं करना चाहिए। अगर आप GDS ज्वाइन करते हैं तो आपको किन मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, उस समस्या के बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। तो चलिए पॉइंट बाय पॉइंट देख लेते हैं। तो पॉइंट नंबर 1 में हम बात करेंगे पोस्ट के बारे में, आखिर GDS का पोस्ट होता क्या है। तो मैंने आपको वीडियो के शुरू में ही बता दिया था कि GDS विभाग में अतिरिक्त कर्मचारी के रूप में और एजेंट के रूप में कार्य करते हैं। इसको डिपार्टमेंटल स्टाफ की तरह कोई सुविधा ना मिलती है और ना ही वो कोई डिपार्टमेंटल स्टाफ की तरह सुख सुविधा का लाभ उठा पाता है। ये अतिरिक्त विभागीय कर्मचारी होते हैं जिसको अलग वर्ग में डिपार्टमेंटल पोस्ट में रखा जाता है। दूसरा पॉइंट होता है वर्क, यानी GDS का वर्क कैसा होता है इसके बारे में। तो GDS का वर्क भी आम तौर पर विभागीय कर्मचारी के तरह ही होता है। उनको भी चिट्ठी बांटनी होती है, SV पेमेंट करना होता है, मनी ऑर्डर पेमेंट करना होता है, पार्सल पेमेंट करना होता है, उन सभी कार्यों को करना होता है जो विभागीय कर्मचारी आमतौर पर करते हैं। वर्क के मामले में एक और परेशानी जो सामने आती है वो होती है पोस्टिंग की। कभी कभी ग्रामीण डाक सेवकों की पोस्टिंग घर से बहुत दूर कर दी जाती है और उनको वहीं पे उसको रहना होता है और वहीं के लोगों के साथ बिजनेस बढ़ाना होता है, जो कि एक टफ़ काम हो जाता है GDS के लिए, क्योंकि उसको हाउस अलाउंस, ऑफिस अलाउंस के रूप में कोई भत्ता या कोई पेमेंट सरकार के द्वारा नहीं मिलती है और इन सारी जो खर्च होते हैं रूम रहने का, वहाँ ऑफिस बनाने का, ये सारे उनको खुद अपने पैसों से ही करनी होती है। तो ये बहुत बड़ी समस्या हो जाती है। और आमतौर पर वर्क को 2 टाइप से विभाग किया जाता है, जैसे पहला हो जाता है 4 घंटे और 5 घंटे। आपको वर्क आपको 4 घंटे के तौर पर मिलेगा और 5 घंटे के तौर पर मिलेगा। और आमतौर पर किसी भी विभागीय कर्मचारी का दर्जा पाने के लिए 8 घंटे का वर्क जरूरी होता है, परंतु GDS को 4 घंटे और बस 5 घंटे के दर्जा में ही रखा जाता है, इसलिए उसे विभागीयकरण से दूर रखा जाता है। आमतौर पर आपको कार्य में 4 घंटे और 5 घंटे की श्रेणी में रखा जाता है, परंतु आपका काम इतना ज़्यादा होता है कि लगभग दिन में आपको लगभग 7 से 8 घंटे डेली आपको कार्य करने ही पड़ते हैं। तो आपकी सैलरी जो भी मिलती है वो 4 घंटे और 5 घंटे के श्रेणी में ही मिलती है, बस आपको ड्यूटी आपको लगभग 7 से 8 घंटे डेली करनी पड़ेगी। तीसरा पॉइंट जो होता है वो होता है सैलरी की। तो सैलरी की बात जहाँ तक आती है, सैलरी में आपको TRCA भत्ता दिया जाता है और जो विभागीय कर्मचारी के मुकाबले कहिए तो आधे के बराबर भी नहीं हो पाते हैं। अगर कोई विभागीय कर्मचारी ज्वाइन करता है तो उसे मिनिमम 25,000 से 30,000 की सैलरी मिलती है। वहीं अगर कोई GDS ज्वाइन करता है तो उसे, अगर वो 4 घंटों की श्रेणी में काम करता है तो उसका बेसिक TRCA ये 10,000 रुपये बनता है और अगर उसे 5 घंटों की श्रेणी में रखा जाता है तो उसका बेसिक TRCA 12,000 रुपया दिया जाता है और बेसिक पे TRCA पर आपको जो DA एरियर होता है वो जोड़ के आपकी सैलरी बनती है और ये होते हैं डिपार्टमेंटल स्टाफ से आधे के भी लगभग बराबर,
यानी काम आपको डिपार्टमेंटल स्टाफ के तरह करवाया जाता है और सैलरी आपको जीडीएस के तौर पे मिलती है। चौथा पॉइंट में हम बात करने वाले हैं प्रमोशन। जीडीएस का आमतौर पर कोई प्रमोशन नहीं मिलता है, आप जिस पोस्ट के लिए चयन किए जाते हैं आप उसी पोस्ट से रिटायरमेंट भी आपको उसी पोस्ट से मिल सकता है। अगर आपको प्रमोशन लेना होता है तो उसके लिए आपको डिपार्टमेंटल एग्जाम को क्वालिफाई करना होता है और जो डिपार्टमेंटल एग्जाम होता है उसकी सीट बहुत ही कम, ना के बराबर ही निकलती है, तो उसमें आपकी चांस काफ़ी कम होती है। अगर आपको प्रमोशन वाला वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट सेक्शन में लिखें, मैं आपको विभाग जीडीएस से प्रमोशन पाने के जितने भी सारे रास्ते होते उस पर मैं एक अलग वीडियो बनाकर पोस्ट कर दूंगा। आखिरी पॉइंट और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है जिसमें जीडीएस को सबसे ज़्यादा परेशानी होती है, वो होती है टारगेट। ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जीडीएस को बार बार टारगेट के नाम पे हैरेस किया जाता है, उसको खाता खोलने, पीएलआई आरपीएलआई बिजनेस करने के लिए उन पर बार बार दबाव बनाया जाता है तथा नहीं करने पर उसे अपने सीनियर एज सुपरिटेंडेंट एज इंस्पेक्टर से डांट खानी पड़ती है और उसे यहाँ तक कि नौकरी से निकाल देने की भी धमकी मिलती है। क्योंकि जीडीएस कंडक्ट रूल 3A के तहत जीडीएस को कहा जाता है कि अगर वो काम करने में सक्षम नहीं है तो अपने वरीय पदाधिकारी से उसे जॉब से निकाल देने का पावर वो रखते हैं। तो इस कारण से जीडीएस पे काफ़ी दबाव बना रहता है और जीडीएस का सबसे बड़ा यही कारण है जिससे जीडीएस को काफ़ी हैरेस और उनका शोषण किया जाता है इसी रूल के तहत। तो ये कुछ पॉइंट थे जिसके कारण मैं आपको समझाना चाहता कि आखिर जीडीएस में हमें क्यों ज्वाइन नहीं करना चाहिए, क्योंकि अभी जो देखा जा रहा है जीडीएस की जो ज्वाइनिंग होती है वो लगभग 90%+ वालों की ज्वाइनिंग होती है। अगर आप पढ़ने में इतने अच्छे हैं तो आपको मेरी तरफ से जीडीएस को ना ही ज्वाइन करें, आगे कुछ और चीज़ का तैयारी करें, सीएचएसएल की तैयारी करें जिससे इसी विभाग पोस्ट में आप एज अ क्लर्क काम करेंगे। ये थे कुछ निगेटिव पॉइंट जीडीएस के बारे में। ऐसा नहीं है कि इसमें सिर्फ कमियां ही हैं, इसमें कुछ महत्वपूर्ण फायदे भी हैं जिससे आपको लगेगा कि आपको इसको क्यों ज्वाइन करना चाहिए। तो आपको जीडीएस क्यों ज्वाइन करना चाहिए इसके वीडियो में अलग से आपको चैनल बना के पोस्ट कर दूंगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और ऐसे ही जीडीएस के तमाम वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल पे बने रहें। आप देख रहे हैं जीडीएस का सबसे भरोसेमंद चैनल जीडीएस 24x7।